उस बच्ची को अब हमने अपने सामने एक एक सांस तोड़ते देखा। आज 7 साल हो गया, सरकारें बदल गई, लेकिन हम वही एक इंसाफ के लिए दौड़ रहे हैं। उस समय का एक था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन हमारे लिए तो वही दिन और वही रात रह गई। अच्छा दिन तो आया ही नहीं। तो हम परेशान होकर हमने डिसीजन लिया कि जब कहा जाता है कि नहीं वोट हमारा अधिकार है, तो हमारा भी तो अधिकार है कि हमें इंसाफ मिले। किसी ने कहा भी था कि ईवीएम में भी एक जगह होता बटन दबाने का कि हम बहिष्कार करते हैं इसका से हम। नोटा हाँ हाँ, लेकिन हमने कहा वहाँ में जाने की ज़रूरत क्या है, हम धूप में क्यों जाए वोट देने के लिए, हम अपने घर में नहीं देना है तो नहीं देना है। क्योंकि हम 5 साल बड़ा धैर्य से इंतजार किए, 7 साल, कि नहीं हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन कौन किस पे हम विश्वास करें कि समाज की सुरक्षा कर सकता है, जिस देश में सेना सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ सुरक्षित हैं। इतने क्राइम हो रहे हैं, इतनी बच्चियां मर रही हैं, वो सर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक वोट ना देने से हमारे क्या उनको फर्क पड़ेगा? नहीं, हमें शिकायत किसी से नहीं है, शिकायत सबसे है, क्यों किसी के मैनोफेस्टो में नहीं है कि महिलाओं की सुरक्षा करेंगे हम, तो शिकायत तो हमारी सबसे है। और देखा जाए तो किसी से भी नहीं है, किसी पर्सनल किसी से हमारा कुछ नहीं है। जब ये घटना हुई थी, कांग्रेस की सरकार थी, बाकी ये विपक्ष में थे, तो बहुत जोर शोर से सब उठाए, पूरा समाज चाहता था कि नहीं कुछ बदलाव हो। अब बदलाव भी हुआ, सरकारें बदल गई, लेकिन अगर महिलाओं को सुरक्षा देखिए, महिलाओं की दुर्गति देखिए, तो आज भी हम 2012 में ही खड़े हैं। हम सरकार वो चाहते हैं, हमारी नज़र में वो सरकार सरकार है जो हर वक्त निर्णय लेने का अधिकार उसको हो, कोई भी अपने उसके नज़र में होना चाहिए कि हमारे देश में कौन रो रहा है और कौन खुश हो रहा है। तो क्रिमिनल खुश हो रहे हैं और महिलाएं परिवार रो रहा है, तो ऐसे सरकार हमें नहीं चाहिए। सरकार तो हमें वो चाहिए कि सबकी सुरक्षा कर सके।